श्री रामगोपाल यादव को सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर प्रश्न खड़ा करने और इस देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने वाले इस बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ये देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा हो तब इस प्रकार की तुष्टिकरण के पोषक बयानों के माध्यम से देश के मनोबल को तोड़ने वाले, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले इस प्रकार के बयानों को यह देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। हर हाल में यह देश अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ा है। इस देश की प्रत्येक नागरिक ने इस देश के अंदर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत की सामरिक ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराने, सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनवाने का जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, बालाकोट की घटना ने भारत की सामरिक ताकत का एहसास देश के दुश्मनों को करवाया है। पुलवामा की घटना के 48 घंटे के अंदर उसके मास्टरमाइंड समेत सभी आतंकियों को मार गिराया जाना, लगातार आतंकियों की सफाई के लिए जिस दृढ़ निश्चय के साथ भारत सरकार ने कार्य किया है, लगातार कार्य चल रहा है, आतंकवाद की इस निर्णायक लड़ाई में ये लड़ाई केवल एक दल की नहीं पूरे देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई को कमजोर करने की इस प्रकार की घटिया बयानबाजी वावी वोट बैंक के लिए अत्यंत सर्वनाक है। श्री रामगोपाल यादव को अपने सर्वनाक बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सवाल खड़ा किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे देश के अंदर चौकीदार की धूम मची है। चौकीदार चौकन्ना होगा तो चोर सशंकित जरूर होगा। स्वाभाविक रूप से हर देशभक्त, हर कर्तव्यनिष्ठ नागरिक अपने आप में एक चौकीदार है। एक योगी के नाते धर्म और समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति चौकीदारी का निर्वहन हम लोग करते रहे हैं और एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के प्रति उसी प्रकार से चौकन्ना रह करके उसकी चौकीदारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम सबके चौकन्ना रहने से, चाहे वह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों या फिर इस देश का वह हर कर्तव्यनिष्ठ नागरिक जो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सचेत होकर के, चौकन्ना होकर के देश की और समाज की अमूल्य सेवा कर रहा है, वह हर व्यक्ति के चौकन्ना रहने से सबसे संकेत चोर हैं। वे चोर जो देश और प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डालते थे, लूट खसोट करते थे, स्वाभाविक रूप से उनको कष्ट अवश्य हो रहा होगा कि उनके लूट खसोट के, उनके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे एक एक करके बाहर लाए गए और उनके लूट खसोट को पूरी तरह शक्ति के साथ रोका गया है। मैं मायावती जी की इस कष्ट को समझ सकता हूं, पूरा प्रदेशवासी भी इस कष्ट को समझ सकता है कि उनके शासनकाल में प्रदेश के संसाधनों पर जिस प्रकार से लूट खसोट और भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए थे, आज जब उन्हें रोका गया है तो चौकीदार के चौकन्ना होने से उन्हें कष्ट होगा ही। और मुझे लगता है पूरे देश के अंदर हर कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त नागरिक के चौकन्ना होने से
देश के संसाधनों को, प्रदेश के संसाधनों को लूटने वाले चोरों को कष्ट अवश्य हो रहा होगा।